सिर्फ दो दिन बचे हैं दोस्तों हम्टी शर्मा की दुल्हनिया को रिलीज होने में, एंड जो डायरेक्टर है शशांक खैतान, उनकी पहली रिलीज है, लेकिन ही इज अनयूजुअली कूल एंड कंपोज्ड। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके कूल एंड एब्सोल्युटली कंपोज्ड डिस्पोजिशन का राज क्या है। फर्स्ट लेट्स वेलकम हिम। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू सर। पहली रिलीज है आपकी, बट बटरफ्लाइज इन द स्टमक लग नहीं रहे हैं सर। आपने अभी इंट्रोड्यूस किया उसके बाद हो गए सडनली। जब मैं आया था यहाँ पर आई वॉज रादर कम्पोज, बट द मिनट यू इंट्रोड्यूस और सर दो दिन बचे आई एम सडनली वेरी नर्वस। बट सच बताइए, इतना पॉपुलर म्यूजिक हो चुका है, दो गाने तो इतने बड़े हिट हो गए हैं, सैटरडे सैटरडे एंड समझामा, मेरे ख्याल से अभी डर की गुंजाइश नहीं रही। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हिट हो गए एंड पीपल आर लाइकिंग द सॉन्ग्स, पर पहली रिलीज है तो थोड़ा सा नर्वसनेस और डर रहता ही है। वी जस्ट वॉन्ट पीपल टू कम टू द थिएटर्स एंड सी द फिल्म, इन्जॉय द कैरेक्टर्स वी हैव हैड फन विद, तो बस वो थोड़ी नर्वसनेस है, थोड़ी डर है। वी शुडंट टेक आवरसेल्फ्स फॉर ग्रांटेड। तो बस आई थिंक दैट किस किस्म की फिल्म है ये, यूथफुल लव स्टोरी है, इसमें अलग क्या है? आई थिंक जो इसमें आई वुड से अलग है, इट्स रियली इट्स एन ओड टू 92 फिल्मी लव स्टोरीज। ओके, ये एक लव स्टोरी है प्रॉपर। ग्रोइंग अप दो फिल्में थी जो मुझे बहुत पसंद थी, एक थी DDLJ, जो शायद मेरे जनरेशन के किसी भी आदमी को हो नहीं सकता कि उसने इंस्पायर ना किया हो। और फिल्म स्कूल में मैंने एक फिल्म देखी थी कैसाब्लांका। अच्छा। दोनों फिल्मों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज था दैट रोमांस बहुत प्योर था दोनों फिल्मों का, दे वर वेरी ट्रू इटर्नल रोमांस। वो फिल्में देखने के बाद ऐसा मन करता था यार काश ऐसा एक लाइफ पार्टनर मिले जिससे जिंदगी भर प्यार हो सके। तो कहीं ना कहीं मुझे उस इमोशन पे फिल्म बनानी थी। आज के टाइम पे सेट है तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। सो आई थिंक इस फिल्म में जो एसेंस है इट इज़ की नॉन ड्रामेटिक है, मेलो ड्रामा नहीं है, पर कहीं ना कहीं इट स्पीक्स अबाउट दिस इटर्नल रोमांस। और जब आप हम्टी और काव्या के कैरेक्टर्स देखेंगे कहीं ना कहीं आई एम होपिंग कि लोग बिलीव करेंगे कि नहीं यार दे आर मेंट फॉर ईच अदर, और इन दोनों के अलावा एक दूसरे के साथ और कोई नहीं हो सकता। तो इनकी कास्टिंग में दिक्कत आई या फर्स्ट चॉइस थे दोनों? जी बहुत फॉर्चुनेट था मैं, दे वर द फर्स्ट चॉइस। मैंने जब स्क्रिप्ट पिच की थी धर्मा को आई वेंट विद देम इन माइंड एंड दे बोथ रेड द स्क्रिप्ट, दे फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड बोथ अग्रीड रेडिली। तो उस मामले में काफ़ी लकी हो गया एंड दैट आई गॉट माई फर्स्ट चॉइस एंड या इट्स बीन गुड फन आफ्टर दैट। और ये स्क्रिप्ट आपने ही लिखी है? हाँ जी। तो स्क्रिप्ट लिखकर आप धर्मा प्रोडक्शंस के पास कैसे गए? धर्मा ऐसा हुआ कि लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी धर्मा विल नेवर से यस टू एन आउटसाइडर स्क्रिप्ट, एंड मेरे को ये नहीं समझा कि आउटसाइडर क्या होता है। दे सेड यू आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, वो नहीं हाँ बोलेंगे। आई नेवर थॉट आपका आगे पीछे कोई इंडस्ट्री में नहीं है। जी नहीं, कोई नहीं है। और पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। आई फेल्ट कि अगर मैंने एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है और अगर मैं पिच करूंगा, करण जौहर जो टीम मेंबर्स हैं पढ़ेंगे, they will, if they like it, they will definitely say yes to it. They will not go by this, कि ये outsider है तो बाहर रखो। बिल्कुल, बिल्कुल। और धर्मा में मिस्टर रायन स्टीफन्स हैं, who is the creative developer, उनको मैं पिछले 3 साल से जानता हूँ, तो 2 साल से मैं उन्हें scripts पे scripts pitch किए जा रहा हूँ। एंड फाइनली हम्टी वॉज माई 6th स्क्रिप्ट। हर स्क्रिप्ट में कुछ ना कुछ मिसिंग था, वो बोलते थे कि तुम अच्छा लिख रहे हो, कुछ मिसिंग है। फाइनली थिंग्स फेल इन प्लेस विद हम्टी, दिस वॉज माई 6th स्क्रीन प्ले, और उन्होंने करण जौहर को पिच की एंड विद इन अबाउट 3 वीक्स ऑफ पिचिंग इट टू धर्मा आई वॉज सिटिंग फेस टू फेस विद करण जौहर और हम डिस्कस कर रहे थे कि शायद ये फीचर फिल्म बन सकती है। रियली? सो या नर्वस थे उस दिन? नर्वस थे सर, इतना नर्वस नहीं था ऑनेस्टली, आई वॉज रादर एक्साइटेड कि 2 साल के बाद आई एम फाइनली गेटिंग टू एंटर हिज ऑफिस एंड ही कंप्लीटली सरप्राइज मी द वे ही मीट्स पीपल, द वे ही सो ऑनेस्ट एंड ओपन। और उन्होंने कुछ घुमा फिरा के बात नहीं की, उन्होंने बोला ये तुम्हारी स्क्रिप्ट है, शायद आता ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। बात करना। मुझे तुम्हारी स्क्रिप्ट पसंद आई है, मुझे कुछ एंड में थोड़ा प्रॉब्लम लगता है, लेट्स वर्क ऑन दैट, काम करेंगे, इफ आफ्टर दैट एवरीथिंग इज गुड वील मेक द फिल्म। दैट वॉज माई फर्स्ट कॉन्वर्जेशन विद हिम एंड आई वॉज लाइक सुपर, मतलब जो आदमी इतना ऑनेस्ट और ओपन हो सकता है, यू फील दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। फिर वो चेंजेस कितना टाइम लग गया? जस्ट अबाउट अ मंथ, 1 महीने में वी वर ओके विद द चेंजेस। वरुण वाज ऑलरेडी ऑन बोर्ड, आलिया की शूटिंग चल रही थी। तो ये वरुण और आलिया आपने, मतलब आपके सजेशंस थे या करण सजेस्टेड देयर नेम्स एंड यू सेड यस दे फिट द बिल? आई हैड पिच्ड इट विद वरुण एंड आलिया। अच्छा। हालांकि उस समय आलिया बैक टू बैक काम कर रही थी, वरुण की भी फिल्म स्टार्ट होने वाली थी मैं तेरा हीरो, पर वरुण वॉज ऑन बोर्ड, आलिया वॉज जस्ट वेटिंग टू फिनिश ऑफ अ कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स क्योंकि उसकी बैक टू बैक शूटिंग चल रही थी। बट वंस शी आई गॉट अ चांस टू नरेट विद हर, इवन शी वॉज ऑन,
And of course, Karan was never skeptical, but he wanted to sure that we are casting correctly. Because ek love story hai. Love story mein cast bahut important hoti hai. Ki in dono ki chemistry kya hogi. But once we were sure ki they both can pull off these Punjabi characters, phir koi problem nahi tha. Then it went off smoothly. To matlab, in that sense, aapko struggle nahi karna pada? Meri struggle shayad iske pehle ki rahi hai. Jaise maine kaha ki after passing out from the institute, aap Whistling Woods. Ji, main Whistling Woods International se pass out hua tha. Unki pehli batch ka member tha main. Aur wahan se nikalne ke baad, of course, aap kya hota hai, aap film school se nikalte hain. आपके यू हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, आप बहुत बड़े बड़ी चीज़ें सोचते हैं, बट देन यू नीड टू वर्क इन द इंडस्ट्री. तो वो हालांकि ऐसी कोई स्ट्रगल नहीं थी कि मैं काम, कि मुझे काम नहीं मिल रहा या नहीं, काम मिल रहा था, बट ये नहीं पता था कि मैं करेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं, मेरी डायरेक्शन कहाँ है, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, एम आई एक्चुअली. एंड काम आसानी से मिला या उस टाइप की स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी बिकॉज आपके पास Whistling Woods की डिग्री थी या बिकॉज you come across as a confident person? I think it's a combination of both. कहीं ना कहीं बहुत mixed चीज़ें होती हैं. कोई लोग बहुत skeptical होते हैं, अरे आप film school से आए हैं, आप हमें ही मत सिखाने लगिएगा. और कोई लोग ऐसे होते हैं कि अरे film school कुछ नहीं सिखाती. कोई लोग बहुत positive होते हैं कि नहीं आप film school से आए हैं तो पक्का आप कुछ तो जानते होंगे. Basics तो जानते हैं, हाँ. तो मेरा experience ये रहा है कि you just need to go with the fact कि आपको अपना काम आता है. You need to be confident about that. You don't need to be arrogant about it. मुझे काम आता है, अगर आप मौका देंगे मैं कुछ करके दिखा सकता हूँ. That's the attitude with which I approached every meeting and I met. Some were positive, some were negative. पर जहाँ जहाँ मैंने काम किया है, इतना मुझे यकीन है कि those people have felt कि नहीं, training का फायदा हुआ है. And now he is working harder. और कहाँ कहाँ काम किया है? जी, मैंने internship शुरू की थी सुभाष जी के साथ ही. मैंने ब्लैक एंड वाइट पे इंटर्नशिप की थी, युवराज पे इंटर्नशिप की थी. उसके बाद मैंने रेड चिलीज टेलीविजन डिपार्टमेंट में दो प्रोजेक्ट्स पे काम किया था अंडर मिस्टर समर खान. फिर मैं एडवर्टाइजिंग की तरफ गया. आई डिड अ लॉट ऑफ एड्स फॉर अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ, क्योंकि यू नीड टू इंडिपेंडेंटली. नहीं जी, आई वॉज एन असिस्टेंट. आई स्टार्टेड ऑफ एज सेकंड एंड देन आई बिकेम चीफ, बिकॉज यू हैव टू कीप अर्निंग सम ब्रेड एंड बटर व्हेन यू आर इन मुंबई. तो एडवर्टाइजिंग और अराउंड दैट टाइम जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैंने खुद की फिल्म बनाऊंगा, तो शेरवानी कहाँ की प्लानिंग चालू रही. दैट टुक अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ. वो एक दोस्तों का प्रोजेक्ट था. इट वॉज जस्ट एज आई सेड, वी वर यंग पीपल आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट. हमने सोचा नहीं यार, मिलकर एक पिक्चर बनाते हैं और अच्छी बनाएंगे तो रिलीज हो जाएगी. तो कितना पैसा लग गया आप लोगों का उस फिल्म में? काफी कम ही लगा, ज्यादा. अच्छा, नहीं लगा. अच्छा, तो I won't disclose a number, कम में छूट गए आप लोग. बहुत बहुत ये सोच लीजिए एक्सपेंसिव शोरील बन गई. सो एज अ शोरील इट वाज एक्सपेंसिव. तो आपने कहा कि जिसने भी ये फिल्म देखी, दे रियलाइज दैट आई न्यू माय वर्क. तो आपने ये फिल्म छुपाने की कोशिश नहीं की क्योंकि रिलीज नहीं हुई थी? यू वर ओपन अबाउट इट कि ये मैंने फिल्म बनाई है. आई डोंट थिंक सो, यू शुड बी एम्बैरस्ड ऑफ एनी वर्क यू डू. क्योंकि जब मैंने वो काम किया था, दैट वाज द brightest thing in my life. So suddenly, just because it's not released, that doesn't make it a bad product. Very true. हालांकि अब जब मैं पिक्चर देखता हूँ, काफी चीजें हैं जो मैं अलग करता, इवन टेक्निकली. और उसी फिल्म के कारण आज मैं शायद धर्मा में हूँ, बिकॉज मैंने रायन स्टीफन्स को वो फिल्म दिखाई थी. एंड समवेयर आफ्टर दैट फिल्म ही बिलीव, नहीं यार तुम लिख सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो. एंड समवेयर ही शोड इंटरेस्ट इन मी. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फिल्म. वी वर फ्रेंड्स आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट. वी मेड इट विद अ लॉट ऑफ लव एंड पैशन. और आई थिंक आई ट्रूली बिलीव उस फिल्म के कारण मैं यहाँ पर हूँ. हाउ डिफिकल्ट वॉज इट और हाउ इजी वॉज इट साइनिंग द अदर स्टार कास्ट एंड गेटिंग रोलिंग? सरप्राइजिंगली इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट. करण इज फैंटास्टिक विथ कास्टिंग एज वेल. तो मैं जिन जिन को कास्ट करता गया, वो सिर्फ देखते गए. उन्होंने अपने सजेशंस दिए कि दिस इज करेक्ट, दिस आई फील कैन बी बेटर, दिस आई कैन फील इज यू नो इससे आगे बढ़ो. सिद्धार्थ शुक्ला की कास्टिंग में ही प्लेड अ बिग रोल, बिकॉज वी वर नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ कैरेक्टर वी वांटेड. ही वाज दैट टाइम ऑन झलक. उन्होंने बोला शशांक यू शुड मीट सिद्धार्थ, आई फील ही इज परफेक्ट फॉर द रोल. आई मेट सिद्धार्थ एंड वन स्क्रीन टेस्ट लेटर वी हैड फाउंड हिम. आशुतोष राणा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन आवर फिल्म. आई हैड अ मीटिंग विथ हिम वेयर आई हैड अ कैरेक्टर स्केच. वी हैड ड्रॉन सम फिगर्स फॉर हिम एंड केप्ट. क्योंकि काफी एक्टर्स होते हैं, उन्हें फादर रोल प्ले करने में रिजर्वेशन होती है. बट क्रेडिट टू आशुतोष जी, ही हर्ड द नरेशन, ही सॉ द स्केच, इमीडिएटली ऑन द टेबल ही सेड वी आर ऑन. सो कास्टिंग वाज अ लॉट ऑफ फन एंड वी आर वर्किंग विद लॉट ऑफ टैलेंटेड एक्टर्स जो थिएटर बैकग्राउंड से हैं. दे माइट हैव नॉट डन फिल्म्स अर्लियर, बट दे आर रियली, दे हैव द फायर टू गो आउट एंड गिव इट देयर ऑल. तो हम ऐसे ही कास्ट के साथ काम कर रहे हैं. And I'm hoping it shows on screen that we've had a great time making the film. How was it on the first day of shooting or in the initial days of shooting? What was very fortunate was ki all of these actors gave me time for rehearsals.
तो बिना बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ शूट आई हैड ऑलरेडी डन अबाउट 30-40 रिहर्सल्स विद वरुण एंड आलिया. मैं उन्हें एक पंजाबी माहौल में लेके जा रहा था, दिल्ली पंजाब. हालांकि पिक्चर में ज्यादा पंजाबी नहीं है, इट्स प्योरली अ हिंदी फिल्म, लेकिन पर वो एक माहौल. सो हैविंग डन सो मेनी रिहर्सल्स विद देम, आशुतोष जी के साथ भी मैंने काफी रिहर्सल्स की थी, सिद्धार्थ के साथ 3-4 रिहर्सल्स की थी, वी न्यू ईच अदर वेल. उन्होंने कभी मुझे ये फील नहीं होने दिया कि आई एम अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर तो तुम मेरी सुनो. दे काइंड ऑफ ट्रस्टेड मी कि तुमने स्क्रिप्ट लिखी है, यू हैव अ विजन, लेट्स गो विद दैट विजन. एंड ऑफ कोर्स फिर वो अपनी एक्सपर्टीज के साथ दे ब्रिंग इन द नुआंसेस. तो फर्स्ट डे वाज नॉट नर्वस ऑन द एक्सटेंट कि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे. हाँ, ये एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट रहती है कि वी आर फाइनली रोलिंग एंड होपिंग फॉर द बेस्ट टू हैपन. बट वी वर ऑल वेरी कंफर्टेबल. ऑल दीज एक्टर्स आर फैंटास्टिक पीपल, दे आर फैंटास्टिक ऑन सेट. दे नेवर हैड दिस थिंग कि हम स्टार हैं, हम अलग बैठेंगे या ये करेंगे या वो करेंगे. मेरी यूनिट बहुत यंग है, वी आर एन एवरेज एज ऑफ अबाउट 28 ऑन सेट. ओके, तो हम लोग सब साथ में बैठते थे, हम लोग सब साथ में खाना खाते थे. दैट वॉज द होल वाइब ऑन द सेट. एंड आई थिंक दैट्स हाउ वी हैव मेड द फिल्म विद दैट लव. इस फिल्म का जो, जैसे मैंने कहा, इट्स अ ट्रिब्यूट टू इटर्नल लव. कहीं ना कहीं वो एक वॉर्म्थ, सिंप्लिसिटी और सिंसियरिटी है स्क्रिप्ट में. एंड आई फेल्ट दैट्स व्हाट द सेट वाज अबाउट. एंड वरुण, आलिया, आशुतोष जी, सिद्धार्थ एंड एवरी अदर मेंबर ऑफ द कास्ट, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग इट अलाइव. ओह, दैट्स वेरी नाइस. सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. वेरी नाइस. ये जो दो गाने हैं पंजाब में बहुत बहुत बड़े हिट्स थे, पंजाबी गाने हैं जिनके राइट्स आप लोगों ने खरीद लिए, ये किसकी सोच थी, किसने ये बात कही, कैसे हुआ ये सब? जब मैं अपने पहले लोकेशन रेकी पे चंडीगढ़ गया था और पंजाब एरिया में गया था, आई हर्ड दीज टू सॉन्ग्स एंड दे वर फिनोमिनल सॉन्ग्स. मतलब मैंने सुना एंड आई सेड यार ये हमारे फिल्म में भी फिट होती हैं, हमारे जो फिल्म का जॉनर है. तो मैंने ऐसे ही जाके करण को एक बार सजेस्ट कर दिया कि करण, वी शुड By the rights of this song. And Karan ne sune the wo gaane? Maine unhe phir sunaye dono gaane. He also loved it, but phir uske baad hamari baatein band ho gayi aur hum picture pe focus karne lage. Acha, that was on the back burner sort. Haan ji. But I think Karan is that kind of a producer. He is generous. He knows what is good for the film, and he ends up doing it. And one fine day he just called me up and said, "Office aaja, we are buying these two songs." You know, and not just buying these two songs. Then along with that, he says, "Now let's." Envision it to become bigger. Let's make it larger than what they were. They were anyways legendary. Correct. But let's give them that respect. Give them videos which will make it larger their than tunes. Absolutely. And rather give them a bigger tribute. And I think that's what Saturday was. If agar aap video dekhen, it's Bilkul. Something which is larger than life. Correct. Aur agar aap samjhawa dekhen, it's a set of moments which are very beautiful, very real between Varun and Alia. So that's what Karan does. He gives you that gift that jao ye dono gaane tumhare hain, and then you need to justify the videos and ensure that you are doing justice to the songs. To ye Punjab aur Delhi mein based kyon hai ye kahani? Growing up maine apne bahut saal Punjab mein bitaye. I used to be a tennis player, to maine kafi national tournaments khele hain Chandigarh aur Delhi mein. Aur wahan ki ek baat alag hai, you know, characters are larger than life. You know, unke emotions are never hidden. You know, गुस्सा होते हैं तो खुल के बोलते हैं, खुश होते हैं तो खुल के गले लगाते हैं, खाने के मामले में, पीने के मामले में. सो दे रियली ऑफर समथिंग टू अ स्क्रिप्ट, दिस रीजन ऑफर्स. क्योंकि अगर आपके दिमाग में एक ओवर द टॉप सीन है एंड इफ यू जस्ट से कि यार ओवर द टॉप है पर ये पंजाबी लड़का है एंड वो थोड़ा हाई है, इट सडनली बिकम्स बिलीवेबल, यू नो. सो आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द रीजन हैविंग स्पेंड टाइम देयर. आई एम मैरिड टू अ पंजाबी, आई हैव इंटरेक्टेड लॉट विद माई वाइफ्स फैमिली. They just are full of life. And I think somewhere this script needed that. This love story needed those characters. So I think by default, wo set ho gaya us region mein. Aur un 5 scripts ka kya hua jo aapne likhi thi? Ye to chhati script thi aapki. Usme se kafi elements hain jo isme aa gayi hain. Kuch scenes, kuch dialogues, kuch characters. Nothing goes waste. When you write, it's like engineering. Aap jitna karte jayenge, aap better hote jate hain. So while writing also, I think you evolve. So a lot of those characters, elements from those scripts are here. I'm sure जब मैं अगली script लिखने बैठूंगा, उन 5 scripts का कुछ elements आते जाएंगे इनमें. So they will never go waste. I think they'll always be part of your memory bank. नासिक में रहकर फिल्मों का शौक कैसे था? Whistling Woods join करना कैसे सोचा? नासिक में पिक्चरें देख के शौक. I think मैं the first film which I ever watched in the theatre was Agnipath. अमिताभ बच्चन वाली. सो इट वाज लाइक एन अमेजिंग, यू नो, जब हम छोटे थे हम जाते थे, वाज लाइक व्हाट द हेल इज दिस, इज अ बिग स्क्रीन. सो दैट वाज द फर्स्ट फिल्म. आई थिंक डीडीएलजे, एज आई सेड, वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट. उस फिल्म के बाद लगा कि यार दिस इज मैजिकल, आई नीड टू बी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड. बट कमिंग फ्रॉम नासिक, कभी कभी यू डोंट नो द डायरेक्शन, आपको नहीं पता कि हाउ डू यू गेट हियर.
तो वहाँ पर फिर जो भी चीज़ मुझे लगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है मैंने वो चीज़ की. आई गॉट पार्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ अ डांस इंस्टीट्यूट फॉर अबाउट 7 years ऑफ माई लाइफ नासिक में. नासिक से एंड वी वर ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस इंडिया. तो वी स्टार्टेड आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग विद दैट इंस्टीट्यूट फर्स्ट एज अ डांस इंस्ट्रक्टर. देन आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स. तो वहाँ पर समझने लगा कि हाउ डू यू ऑर्गेनाइज इवेंट्स. तो वहाँ से पहुँचते पहुँचते आई एंडेड अप डूइंग अ कपल ऑफ इवेंट्स इन मुंबई. फिर मुंबई में लोगों को जानने लगा. फिर एड देखा विस्लिंग बोर्ड जा रहा है सो अप्लाइड देयर एंड दीज एक्सपीरियंसेस एंश्योर्ड दैट आई गॉट एडमिशन देयर. तो फिर विस्लिंग बोर्ड आ गई. विस्लिंग बोर्ड में इंटर्नशिप चालू हुई. फिर पता चला ओके नाउ आई फाइनली एंटर्ड एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड नाउ इट वॉज पार्ट ऑफ गेटिंग ऑन टू अ फिल्म सेट. एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूट आई जस्ट अप्लाइड फॉर माई जॉब गॉट माई फर्स्ट जॉब एंड देन आई बिकेम पार्ट ऑफ द फिल्म सेट. So I think it's a gradual process. You never know where you're going to be heading. But I think काम करते रहना चाहिए. और ये सारी चीज़ों में आपके फैमिली का कितना सपोर्ट था या they were not really happy about you entering the film industry? I think any parent, if they're not from the industry, वो किसी like my parents are business people. They know that industry. So they are protective. I don't think so it's a defensive instinct. It's a protective instinct. Okay. My child is going to go out in this world जिसके बारे में मुझे कुछ idea नहीं है. They are resistant. बट जब उन्होंने मेरा पैशन देखा दे सॉ दैट आई एम कमिटेड टुवर्ड्स इट दे हैव नेवर रेजिस्टेड. हाँ यू ऑलवेज हैव दीज मोमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी कि यार क्या हो रहा है इतने साल हो गए हैं. आई वॉज मैरिड आई हैड कमिटमेंट टुवर्ड्स माई फैमिली टुवर्ड्स माई पेरेंट्स. तो वो रेजिस्टेंस हमेशा रहता है बट आई थिंक माई पैशन वॉज समथिंग दे ऑलवेज बिलीव्ड इन एंड फॉर देम दैट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी अदर मटीरियल फॉर्म ऑफ सक्सेस. दे आर लाइक एटलीस्ट ही इज कमिटेड वर्किंग हार्ड एंड गोइंग फॉर इट. And no journey is complete without sacrifices. And I think, unfortunately, a creative aadmi ki zindagi mein, the sacrifices are made by the family. So I think they have made many sacrifices to see that I am here today. And I think at the end of it, I hope it'll be all worth it. तो ऐसे में कभी आपने ये नहीं सोचा कि मुझे जाना चाहिए? कभी टूटे नहीं आप? कहीं ना कहीं एक my parents gave me that support financially, emotionally. My wife stood by me and said, "No, you believe in it. Give it a shot." Only come back if you feel you are done with it. Don't come back for us. But सबसे बड़ा धक्का आपको कब लगा? मतलब इस struggle period में, which was the worst phase? इस struggle period में the worst phase was when a very close friend of mine passed away. He was also an actor in Sherwani Kahan hai. When he passed away, it kind of just shook my life. I'm like, because we were struggling at that point, we were not clear, and suddenly you lose a family member. But that also made me resolve that life is very uncertain. So let's not go by any rules. I don't want to, you know, go back and say, yeah, I didn't give it a fair shot. I wanted to really, really give it my all. Like, I wanted to go back only to Nasik when I've said, I have given it everything. And it was not destined to happen. I'm a Buddhist. I believe in karma. And I honestly believe that if I keep making positive causes towards this, one day I will make my film. So, and I said, I will only go back when I believe that maine sab kuch de diya hai, or so that I'm happy even when I go back. I don't want to live a sad, miserable life. Ki agar main aise karta to shayad ho jata. Bilkul. Aur agar yahan par nahi hota to kya karte aap phir? Main jaake apne father ke sath business mein jata. I'm an educated person. I have instincts of becoming an entrepreneur, of starting businesses. Main kuch karta, main khush rehta. But agar main yahan se 100% diye bina chala jata, tab shayad main khush nahi rehta. So I'm glad I stuck around and gave it my all. I kept writing that one last script that said, nahi yaar, I think this is the script. And somewhere when I was writing Humpty, I kind of believed that this is the script. So I'm glad I did this. And I'm glad I didn't go back. Shashank, I think on Friday, you'll be gladder that you didn't go back. Because aapke film ke trailers bahut hi mazedar hai. Gaane, jaise maine kaha, itne hit ho gaye hain ki what are you looking at? Fantastic start, good start, reasonable start to the film. Of course, आप relatively new है business, समझते हैं या नहीं समझते हैं? Whistling Woods में समझाया होगा. Whistling Woods में भी समझते हैं और production houses में भी बात होती रहती है तो समझते ही हैं business. तो आपको क्या लगता है किस किस्म की opening मिलेगी? I'm hoping I have a start that Karan Johar is happy. Finally, Karan Johar ने पैसे लगाए हैं. Absolutely, he's shown so much trust in me. I mean, आप believe नहीं करेंगे वो मुझे जानते नहीं थे. एक script देखा और उन्होंने बोला जाओ direct करो. I don't think so people trust other people so easily. Exactly. So I just want him to be really proud and happy of our film. And I think if the opening day figures make him happy, then I'm very happy. चलिए इसी दुआ के साथ हम आपको जाने देंगे that the figures make him happy, make you happy, and the film makes the world happy. Thank you so much. Thank you so much for being on the show. Thank you. तो दोस्तों दो दिनों बाद हम्टी शर्मा की दुल्हनिया रिलीज हो रही है. इनकी पहली रिलीज होगी, पहली फिल्म नहीं है लेकिन पहली रिलीज होगी एंड दैट वुड बी अ बिग डे फॉर हिम. आप लोगों ने ट्रेलर्स पसंद किए हैं, गाने वेल
what is to be said about the songs. They are so popular. So go for it. देखिए, enjoy कीजिए हम्टी शर्मा की दुल्हनिया. Friends, आज के लिए बस इतना ही. हमारी मुलाकात कल फिर होगी ETC Bollywood Business के एक और मजेदार एपिसोड में. In the meantime, आपके कोई सुझाव, कोई suggestions हो तो please do write into us at bollywoodbusiness@znetwork.com. And if you have any questions relating to the world of cinema, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए BBiz, स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 57575 पर. यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर @ETC Bollywood. दिस इज कोमल नाहटा बिडिंग यू गुड बाय.